पूरी जानकारी। राजस्थान राज्य में मदिरा की दुकानों के आउटलेट्स की के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन को सरल किया गया है। लॉटरी प्रक्रिया के लिए कोई भी आवेदक अपने आवेदन पत्र भर सकता है और वो आवेदन पत्र इंटरनेट पे ऑनलाइन स्वयं के घर से, स्वयं के कार्यालय से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से और इस बार ई मित्र से भी भर सकता है, किसी भी साइबर कैफे से भर सकता है और राउंड द क्लॉक भर सकता है। उसे जरूरी नहीं कि वो बैंक में जाकर के किसी प्रकार का कोई डीडी बना करके इस आवेदन की राशि जमा कराए, वो सीधे ही राजकीय खाते में ये पैसा जमा करा सकता है। इस बार अर्नेस्ट मनी में जो पहले ली जाती थी डीडी के माध्यम से और जो पैसा, उसको भी छूट दी गई है और सिर्फ आवेदन जमा कराना है और ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद लॉटरी का नंबर जनरेट होता है जो उसके एसएमएस पे मोबाइल जो नंबर उन्होंने दिया है उस मोबाइल पर जनरेट होता है। अतः किसी प्रकार की पूरी ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया में अपनाई गई है। हमने विभिन्न अखबारों में, पूरे मीडिया में, विभिन्न अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इन चीजों को एकदम स्पष्ट कर दिया है। मैं अखबार के एडवर्टाइजमेंट से, जो कि सभी अखबारों में जो दिया गया है, उससे स्पष्ट करना चाहूंगा कि आवेदन कंप्यूटर लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़कर घर, कार्यालय, ई मित्र सेंटर तथा साइबर कैफे से राउंड क्लॉक भरे जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आवेदन शुल्क जो 10 लाख से कम की छोटी दुकान है उसके लिए 23,000 रूपया और बड़ी दुकानों के लिए 28,000 रूपया, इंटरनेट बैंकिंग से, ई ग्रास चालान से और यदि कोई चाहे तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वो जमा करा सकते हैं। इसके बाद लॉटरी का नंबर जनरेट होगा और लॉटरी की जाएगी, इतनी ही, और उसका वो एसएमएस आएगा उसी मोबाइल नंबर पे जिस पे वो किया जाता है। सर वो जो 500 मीटर का जो एक मिसकंसेप्शन था वो भी क्लियर आउट कर रहे हैं कितना। आपने बहुत सही सवाल पूछा। अभी समाज में चूंकि सरकार ने बहुत सरल और बहुत अच्छे नियम किए हैं ताकि कोई भी आदमी कहीं से भी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग से या ई मित्र से जमा करा सकता है और सीधा अपना मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है। समाज के कुछ अंश में कहीं पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है या फैल रहा है कि जो ये 500 मीटर की दूरी का आप बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है। ये भी इस तरह का भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि एक आवेदक अपने बैंक खाते से सीमित संख्या में ही डीडी बनवाकर आवेदन दे पाएगा। पहली बात तो डीडी बनाना कोई आवश्यक नहीं है, वो चाहे तो सीधा अपने इंटरनेट बैंक से जमा करा सकता है या ई मित्र के माध्यम से जमा करा सकता है, इसलिए इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। मुझे तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि डीडी जो है वो बनाने से सीधा ऑनलाइन जमा कराना या ई मित्र के माध्यम से जमा कराना बहुत ही सहज और सरल है और इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि आबकारी विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जिस ठेकेदार के नाम से फॉर्म भरा जाएगा डिमांड ड्राफ्ट उसी के नाम से व उसी बैंक खाते से भरा जाएगा, बनवाना होगा और इन आदेशों की पालना नहीं करने पर यह आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यह पूर्णतः भ्रामक और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने वाला प्रचार है।